पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अपने भाषणों में प्रधानमंत्री और भाजपा नेता लगातार 400 पार का दावा भी कर रहे हैं। कुछ नेता यूपी की 80 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये सफर इतना आसान तो होने से रहा? दरअसल पूर्वांचल की राजनीति बेहद अजीब है। यहाँ की जनता कब किसे जिता दे या कब किसे हरा दे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पीएम मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के बावजूद 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा प्रदर्शन यहां एक तरफा तो बिल्कुल नहीं था। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को यहां बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब 3 सीटें भाजपा जीती, लेकिन पूर्वांचल में ही करीब 5 सीटों पर भाजपा हार गई। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर समेत कई जिलों से भाजपा के प्रत्येक उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। पूर्वांचल में इस तरह की कुल 8 लोकसभा सीटें हैं जो भाजपा के लिए चिंता का विषय हैं, जिन्हें जीतना इतना आसान नहीं होगा। इसमें सबसे पहला नाम है गाजीपुर का। लोकसभा सीट साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सीट से मनोज सिन्हा को सांसद चुना गया। मनोज सिन्हा को केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का पद भी दिया गया। गाजीपुर में धनाधन विकास भी हुआ, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से सपा बसपा के टिकट पर अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की। अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को कुल 119,392 वोटों से हराया था। इस बार भाजपा ने वहां से पारसनाथ राय को टिकट दिया है। उनका सीधा मुकाबला अफजाल अंसारी से है। गाजीपुर में भाजपा के पास एक भी विधानसभा सीट नहीं है। जौनपुर लोकसभा सीट। जौनपुर में भी भाजपा को साल 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से बसपा के श्याम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। साल 1989 to 2014 तक भाजपा ने यहां से 4 बार लोकसभा का चुनाव जीता था। इस बार भाजपा ने पूर्वांचल के लोकप्रिय नेता कृपा शंकर सिंह पर दाव खेला है। उनका मुकाबला बाबू सिंह कुशवाहा से है, जो सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। घोसी लोकसभा सीट। 2019 के लोकसभा चुनाव में घोसी लोकसभा सीट पर बसपा के टिकट पर अतुल राय ने चुनाव जीता था। उन्होंने 122,568 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने ही मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। सपा ने राजीव राय को टिकट दिया है, तो वहीं बसपा ने बाल कृष्ण चौहान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहां से सुबह सपा के अनिल राजभर उम्मीदवार बनाए गए हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट। 2019 में आजमगढ़ में उपचुनाव हुए। अखिलेश यादव ने 2.5 लाख से ज्यादा मतों से यहां पर जीत दर्ज की। हालांकि अखिलेश ने बाद में इस पद से इस्तीफा दे दिया। आजमगढ़ में फिर उपचुनाव हुए, लेकिन धर्मेंद्र यादव को दिनेश लाल यादव निरहुआ ने करारी शिकस्त दी। लालगंज लोकसभा सीट। 2014 में इस सीट से भाजपा के टिकट पर नीलम सोनकर ने जीत दर्ज की थी। 2019 में सपा और बसपा ने एक साथ चुनाव लड़ा और भाजपा से इस सीट को छीन लिया। 2019 में यहां से संगीता आजाद सांसद बनी, जो बसपा से चुनाव लड़ रही थी। भाजपा ने एक बार 2024 के चुनाव में नीलम सोनकर को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। इस बार बसपा ने यहां से इंदु चौधरी तो सपा ने दरोगा सरोज को टिकट दिया है। चंदौली लोकसभा सीट। चंदौली लोकसभा सीट से वर्तमान में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे सांसद हैं, जो 2019 के चुनाव में मात्र 13,959 वोटों से जीते थे। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में वो 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। सपा ने 2024 के चुनाव के लिए यहां से वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है। बसपा ने सत्येंद्र कुमार मौर्य को उम्मीदवार बनाया है। वहीं महेंद्र नाथ पांडे ने एक बार फिर भरोसा जताया है। मछली शहर लोकसभा सीट। वर्तमान में यहां से भाजपा की सांसद हैं बीपी सरोज। भाजपा ने 2024 के चुनाव के लिए उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीपी सरोज इस सीट पर मात्र 181 वोटों के अंतर से जीती थी। बलिया लोकसभा सीट। 2019 के लोकसभा चुनाव में बलिया से वीरेंद्र सिंह मात्र 15,519 वोटों के अंतर से जीते थे। इस बार भाजपा ने नीरज शेखर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सपा ने सनातन पांडे और बसपा ने ललन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो आपको क्या लगता है, जो पूर्वांचल की हमने 8 सीटें बताई हैं, उन पर कौन जीत दर्ज करेगा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा या सपा?
किसकी रहेगी सबसे ज्यादा दावेदारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।